नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी की तरफ से बल्लभ भाई झाबे भाई पटेल, जिसे सामान्य सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, कि जयंती की ढेर सारी जो है बधाइयां। और अगर आप अपने जीवन में कुछ संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए ढेर सारी जो है शुभकामनाएं। क्योंकि अगर स्टूडेंट आप हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वल्लभ भाई पटेल की जीवनी का हर कार्य जो है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए हमेशा से जो है प्रेरणा स्रोत बन करके आपके सामने आएगा। वहां से आपको सीख मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को जो है निश्चित तौर पर जो है पूरा कर पाएंगे। वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम झाबेर भाई पटेल था। अत्यंत ही सरल और साधारण जो है जीवन जीने वाले जो है यह बहुत ही अनुपम व्यक्तित्व और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, कि अपने जीवन में अगर किसी भी चीज को ठान लिया तो उसे निश्चित तौर पर कर गुजरने की इनके पास क्षमता थी। और ऐसा ही जो है इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद जो है भारत को अखंड बनाने में जो है इन्होंने किया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान जिस तरीके से इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ और स्पष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों को ये बताया कि देश की स्वतंत्रता के लिए किस तरीके से लोगों के जो है संख्या बल को, उनकी निष्ठा को, उनके लगन को जो है स्वतंत्रता के लिए मोड़ा जा सकता था, इनके इस तरीके के जो है प्रयास के कारण से ही इनको जो सरदार की उपाधि भी दी गई। और स्वतंत्र भारत को अखंड बनाना जो कि एक बहुत बड़ा जो है लक्ष्य था, एकता के सूत्र में जो है पिरोना, उसमें इनका जो है एक अद्वितीय रोल था। हैदराबाद जैसे विशिष्ट क्षेत्र जहाँ के जो निजाम ने भारत में जो है विलय करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जो है अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान के जो है समर्थन में भी आ गया। और ऐसे विशिष्ट क्षेत्र को इन्होंने जो है अपनी पूरी क्षमता, अपने लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जो क्षेत्र में जो है सम्मिलित किया और उस संपूर्ण जो है अभियान और मिशन को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। ये क्वेश्चन भी आपके जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है हैदराबाद के रियासत को, जो क्षेत्र को, जो भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में जो है इधर उधर जो है बिखरे हुए भूभाग को भारतीय राज्य में जो है, भारतीय संघ राज्य में जो सम्मिलित करने में इनका जो है अप्रतिम योगदान था। इसी के कारण से इनको जो है और इनकी जयंती के लिए जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया। और इनके द्वारा जो भी गतिविधियां, जो भी कार्य भारत के संदर्भ में किया गया उसे इस रूप में लिख सकते हैं, दूसरा है अखंड भारत, राष्ट्रीय एकता दिवस, स्टैचू ऑफ यूनिटी। बारदोली सत्याग्रह के बारे में हम लोगों ने बताया, अखंड भारत के बारे में, राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 ईस्वी से जो है इनके द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो भी प्रयास इनके जीवन काल में दिया गया था उसे चिरस्थायी बनाने, यादगार बनाने के लिए 2014 ईस्वी में निर्णय लिया गया और इनके जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। 182 मीटर जो है ऊंची प्रतिमा है, गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में इसकी स्थापना जो है की गई। यहाँ पर एक और फैक्ट ध्यान में रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ पीस के अंतर्गत जो है आपको अंतर जानना आवश्यक है। ये जहाँ पे गुजरात में है, स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है। और यह जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के यादगार में जो बनाया गया है, तो कहीं कहीं कंफ्यूजन में एक ही मान लिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। अभी हाल में परीक्षा में पूछा गया था ये सवाल। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के रूप में जो है उनके द्वारा दिए गए जो है महत्वपूर्ण योगदान के रूप में इसको जो देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने का निर्णय जिस तरीके से जो है हुआ है, जिस तरीके से सभी क्षेत्रों में जो है इनकी महत्ता है, वो उनके द्वारा उनके जीवन काल में जो है देश के लिए, लोगों के लिए, मानवता के लिए जो किए गए जो है एक अप्रतिम जो है योगदान के लिए जो है किया जाता है। तो उनके जीवन से जो है हम सभी को कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है और किसी कार्य को जो है
व्यवहार में लाने के लिए दृढ़ इच्छा संकल्प जो है लेने की आवश्यकता है। और अगर इस तरीके से कोई लेकर के आगे बढ़ता तो निश्चित तौर पर वो अपने संकल्प को पूरा करने में सफल होगा। तो इस तरीके से जो है इन सभी जो है शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ जो है इस संक्षिप्त लेक्चर में जो है एक संदेश आप लोगों के लिए, पुनः जो है अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।